आज है वर्ल्ड हार्ट डे, लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये चीज स्टक नहीं हुई कि 29 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे? आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, क्या आपने कभी सोचा है? आजकल आप सभी ने ये देखा होगा और आप लोग ये सुनते भी होंगे कि कोई रात में सोया है, सुबह उठकर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी, या जिम करते वक्त गिर जाना, या रैंडमली कुछ करते करते गिर जाना और फिर पता चलता है कि उसकी सडनली मौत हो गई, और उसके पीछे का जो कारण बताया जाता है वो है हार्ट अटैक, या हम उसे साइलेंट अटैक भी बोल देते हैं। सही बात है ना? तो वर्ल्ड हार्ट डे क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या वजह है, आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है, इसके पीछे का क्या इतिहास है, चलिए इस पर नजर मारते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं न्यूज़बुक। वर्ल्ड हार्ट डे एक ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस इवेंट है जो आपको ये रिमाइंड करवाता है, याद करवाता है कि आपके दिल का स्वास्थ्य, उसकी हेल्थ जरूरी है और आपको उस पर ध्यान देना है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिपोर्ट में ये पहले ही साफ कर चुका है कि पूरी दुनिया में दिल की बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। हर साल दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, हार्ट फेल, स्ट्रोक से 20.5 मिलियन से अधिक लोगों की जान जाती है। अब आपको बताते हैं कि इसके पीछे का इतिहास क्या है। वर्ल्ड हार्ट डे मनाने का विचार वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष एंटोनी बाई डी लूना ने पेश किया था। फिर उनके आइडियाज और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन की मदद से 1999 में वर्ल्ड हार्ट डे की स्थापना की गई। दुनिया ने पहला ऑफिशियल वर्ल्ड हार्ट डे 24 सितंबर 2000 को मनाया। 2011 तक ये दिन सितंबर के आखिरी रविवार को मनाया गया, जिसका मिशन था कि दिल की बीमारी को कैसे मैनेज करना है और जागरूकता पैदा करना है। 2012 में इसका मिशन था कि 2025 तक इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को 25% तक रोकना, और उसके साथ ये उद्देश्य फैलाना कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, और 29 सितंबर को फिर ग्लोबल वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में घोषित कर दिया गया। अब आप लोगों को बताते हैं कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स, ताकि जिससे आप अपने दिल को हेल्दी रख सके। पहला, बॉडी मास इंडेक्स को काबू में रखना, यानी कि BMI। आपको अगर यहाँ पर BMI रेंज बताएं तो जो कम वजन की रेंज है वो है 18.5 से नीचे, नॉर्मल वेट है 18.5 से 24.9, ओवरवेट है 25 से 29.9, और मोटापा 30 या उससे अधिक। तो आप यहाँ पर अपने जो BMI है उसको भी कंट्रोल में रखना सीखें। हाई ब्लड प्रेशर और हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल पर भी आपको नजर बनाए रखना है। भारी मात्रा में सोडियम का सेवन नहीं करना है, क्योंकि फिर उससे हाई ब्लड प्रेशर का खतरा होता है। हेल्दी खाना है और बैलेंस डाइट को फॉलो करना है। ट्रांस फैट और जंक फूड को अवॉइड करना। स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना और जल्दी सोने की कोशिश करना। एक्सरसाइज करते रहना ताकि जो बॉडी है वो फिट रहे। तो ये तो थे कुछ मेजर्स जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपका जो हार्ट है वो हेल्दी रहे। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस साल यानी 2023 की जो थीम है वो है यूज हार्ट नो हार्ट। दुनिया भर के सभी लोगों को अपने दिल का ख्याल रखने के लिए एक रिमाइंडर कॉल। क्या आप अपने दिल के स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, या फिर वही सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, या बस इंस्टा पर रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं? आप इनमें से क्या कर रहे हैं हमें कमेंट करके बताएं, और अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल के साथ बने रहे।